घोड़े पर सवार तलवार लिए। तो हमारे मंदिर आने से इंद्रदेव भी काफी खुश हो गए हैं, तो साथ के साथ बारिश भी होने लग गई है। और एक ये जो योगेश बजा रहे हैं, तो कुछ कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को हमारे लास्ट व्लॉग से पता चली गया होगा कि हम लोग आए हुए हैं उत्तराखंड में, जो कि हमारी देवभूमि है, मेरी जन्मभूमि भी है और हमारा गांव भी यही है। तो जैसा कि पता ही आपको, हम यहाँ घूम रहे उत्तराखंड में और गांव में भी हमारी पूजा पाठ खत्म हो चुकी है। तो हमने सोचा कि आप गोलू देवता के भी दर्शन करने आते हैं, तो हम आ रखे हैं यहाँ पे चितई में, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। ये अल्मोड़ा से करीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर है, और बात की जाए रानीखेत से अराउंड 50 किलोमीटर रानीखेत से पड़ता है ये। तो हमें काफ़ी मन था काफ़ी टाइम से कि गोलू देवता के दर्शन करने आना है, और ये चितई गोयल जो देवता का मंदिर है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो हम क्यों ना आप सबको भी दिखाएं अपने साथ। और जिन लोगों को गोलू देवता के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो गोलू देवता जो है वो एक तरीके का भैरव जी का ही रूप है। अभी हमारे घर वाले प्रसाद ले रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, घर वाले प्रसाद ले रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। अंदर थोड़ा ही भीड़ है और घंटियां वगैरह का शोर ज्यादा है, तो अंदर शायद इतनी ज्यादा हम बोल ना पाए, बट चलिए देखते हैं। तो ये जो सामने आप दो मूर्ति देख रहे हैं, सफ़ेद घोड़े पर सवार तलवार लिए, ये हैं हमारे गोलू देवता जी। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये है इस मंदिर का मुख्य द्वार। तो यहाँ से हम करने वाले हैं आगे मंदिर के लिए एंट्री। इस मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर एंट्री करने के बाद भी आपको छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, अंदर चढ़ाने के लिए घंटियाँ ले सकते हैं, और उसके अलावा भी यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि भगवान की फोटोग्राफ्स, लॉकेट और ये सारी चीज़ें। बट वो सब हम आके देखेंगे, पहले हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा आगे जा चुके हैं। तो मंदिर में कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बाईं तरफ को आता है ये वाला एरिया, जहाँ पे जूते चप्पल उतारे जाते हैं। और यहाँ पे जूते चप्पल उतारने के बाद हम करते हैं आगे मेन मंदिर की तरफ एंट्री। और अब मैं आपको बताती हूँ गोलू देवता जी के बारे में। तो गोलू देवता जी जो हैं, उनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। और ये जो आप इतनी सारी घंटियाँ देख रहे हैं, ये प्रतीक है उस न्याय का। और ये जो लेटर्स आप देख रहे हैं, ये प्रतीक है कि लोगों की कितनी श्रद्धा है यहाँ पे गोलू देवता के ऊपर, इतना विश्वास करते हैं लोग कि यहाँ पे वो आएंगे, वो अपनी अरदास रखेंगे और उनकी मन्नतें पूरी होंगी। और इतनी सारी घंटियों की वजह से इसको घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। गोलू देवता जी के जो ज़्यादातर मंदिर होते हैं, उनमें घंटियाँ, खूब सारी घंटियाँ होती हैं, और इन घंटियों की आवाज़ बाहर तक, जो मेन रोड है वहाँ तक सुनाई देती है, और ये बहुत ही अच्छी लगती है। और ये हमारे बच्चे भी एक एक घंटी बजाते हुए चल रहे हैं। देखिए कितनी सारी घंटियाँ और कितनी सारी चिट्ठियाँ लोगों ने लिखी हुई हैं। और ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। इस मंदिर की जो मान्यता है, वो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में गोलू देवता जी को मानते हैं लोग। और सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये हमारे बच्चे मस्ती में लगे हुए हैं। और ये जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, न्यूली मैरिड होते हैं, वो इस तरह से पूरे सज धज कर आते हैं पहली बार जब आते हैं। और ये जो उन्होंने पहना हुआ है चुन्नी, इसको पिछौड़ कहा जाता है। और यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई, कि गोलू देवता जी न्याय के देवता हैं, वो गौर भैरव और शिव जी का एक रूप है। और इस मंदिर में हज़ारों के, अब तो लाखों हो गए होंगे, अद्भुत घंटियाँ हैं जिनसे पता चलता है यहाँ के न्याय के बारे में, गोलू देवता जी के न्याय के बारे में। और ये उत्तराखंड टूरिज्म ने लगाया हुआ है कि यहाँ से कौन कौन से कुछ टेम्पल्स और हैं, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर हैं और आप विज़िट कर सकते हैं। और इस बार हमें उत्तराखंड में ये पर्पल वाले फ्लावर्स बहुत ज़्यादा दिखे हैं। ये पेड़, पूरा का पूरा पेड़ होता है पर्पल फ्लावर से भरा हुआ, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी मंदिर में हवा चल रही है, तो ये फूल ऊपर से झड़ रहे हैं, ऐसे फूलों की बरसात हो रही है मंदिर में, और बच्चे हमारे फूलों से खेलने पर लगे हुए हैं।
लड्डू के फ्लावर। तो हमारे मंदिर आने से इंद्रदेव भी काफी खुश हो गए हैं, तो साथ के साथ बारिश भी होने लग गई है। ये देखिए कितनी सारी घंटियां यहाँ पे लगी हुई हैं, और इन घंटियों को देखकर ही पता चलता है कि कितने लोगों की मन्नतें यहाँ आके पूरी हुई हैं। और उसके अलावा ये सारे के सारे लेटर्स, तो इन लेटर्स का क्या वो है कि लोग जब यहाँ आते हैं, तो मैंने जैसे मन्नत लिखी, लोग अपनी मन्नतें यहाँ पे लिखते हैं, और जब वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद लोग आके यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो ये जो सारे लेटर्स हैं उनसे पता चलता है कि लोगों का कितना विश्वास है गोलू देवता जी के ऊपर, उनके न्याय के ऊपर उनको कितना विश्वास है कि वो यहाँ आएंगे और उनको न्याय ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से लोग आते हैं, लेटर्स लिखते हैं, और उसके बाद जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो घंटियां चढ़ाते हैं। तो मंदिर का जो गर्भ है जहाँ पे गोलू देवता जी की मूर्ति है, वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे हम आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाएंगे। गोलू देवता जी के दर्शन करने के लिए आपको खुद से आना होगा, और खुद से आने के लिए आपको मैं बता दूँ, ये जो मंदिर है दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर पड़ता है, और दिल्ली से जो आनंद विहार बस स्टेशन है वहाँ से डायरेक्ट बस आती है अल्मोड़ा की, और अल्मोड़ा से ये 9 किलोमीटर दूर है। उसके अलावा एक और तरीका है जो कि है बाय ट्रेन। बाय ट्रेन सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, बाय ट्रेन सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है काठगोदाम। सो काठगोदाम से ये मंदिर 90 किलोमीटर्स है, तो 90 किलोमीटर्स ये सबसे नियरेस्ट है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ कैसे आना चाहते हैं। और इस मंदिर के बाहर ये है धूनी, जहाँ पे लोग धूप जलाते हैं, और यहाँ से आप विभूति भी ले जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा माता रानी का मंदिर भी है, तो हम उसके भी दर्शन करते हुए जाएंगे बाहर। और अब यहाँ से हम कर रहे हैं बाहर एग्ज़िट। तो छोटा सा मंदिर है बट इसकी मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। बाकी आपको मैं बार बार बता ही चुकी हूँ कि आप देख सकते हैं घंटियों को देखकर, और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी घंटियाँ यहाँ पे चढ़ी हुई हैं। तो लोग अपनी श्रद्धा अनुसार जितना उनसे हो पाता है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घंटियाँ यहाँ पे लगा के जाते हैं जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। और यहाँ पे दो चार घंटियाँ ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, एक ये जो मैं अभी बजा रही हूँ, और एक वो पहले आपको जो दिखाई, और एक ये जो योगेश बजा रहे हैं। तो कुछ कुछ घंटियाँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। तो ये हमने अब बाहर की तरफ एग्जिट कर लिया है, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स वगैरह खींचेंगे। तो ये जो एग्जिट वाला एरिया है ये हमें लेकर आता है वहीं पे जहाँ पे हम लोगों ने चप्पल उतारी थी। तो अब गोलू देवता जी के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस। तो अगर आप लोगों को हमारे साथ इस मंदिर के दर्शन करके अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे चैनल में आगे बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद हम जाने वाले हैं एक और मंदिर में, और उस मंदिर की भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो मंदिर भी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।